हेलो एवरीवन, सभी साथियों को आईटीआई भारत देश के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, मतलब काफ़ी यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि वहाँ से पीडीएफ हटा दी गई हैं, अब पेपर क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप लोग गुमराह ना हो, आप अपनी तैयारी सिर्फ सिर्फ भारत देश के पीडीएफ से ही करें, ठीक है। उन्होंने पीडीएफ हटा दी, उससे क्या दिक्कत, उन्होंने सैम्पल पेपर तो वही दिया है उन्हीं क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर, कोपा, जितनी भी हमारे पास हैं, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियर ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप देख देख के वीडियो दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। और बहुत से बच्चे पिछले साल भी लाए थे, ठीक है। और आप लोगों के लिए ग्रुप बना हुआ है, इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, व्हाट्सअप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। इसमें हमने टॉप 15 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, टॉप 15। जिसको आता है वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं आता है वो एक बार या दो बार इस वीडियो को देख लेना है, और 30 सेकेंड दूंगा आप लोगों के लिए इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। सभी लोगों को मैं आप लोगों के लिए ऐसे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, और जो क्वेश्चन है जो पिछले वाले हैं, ठीक है, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं निमी से बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ, निमी से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ा रहा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आप लोगों को जानते हो 12 नंबर का इंजीनियर ड्राइंग है आपके लिए, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल ना करें, दिन रात एक कर दें। देखो, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें। देखो, ये यहाँ पर एक डायग्राम हमको दिया हुआ है, 3 फेज से लेके 50 हर्ट्ज तक। तो एसी है, डीसी है, या हम इसको बोलेंगे सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, या 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज। तो जितने भी ऐसे साथी हमारे प्यारे प्यारे, जो सभी साथी जो लगा रहे हैं इसका सही आंसर, जो देखो, हाँ बहुत बढ़िया, यानी कि डी वाले सभी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग डी लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो 3 फेज से लेके 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 फेज से लेके 50 हर्ट्ज, यानी किसी हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कमेंट करिए, नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दिख रहा हुआ एक डायग्राम, ये देखिए, हमें ये बताना है इस डायग्राम को क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं, बैटरी कहते हैं, सेल कहते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक, क्या बोलते हैं, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो, अरे यार, जो लोग ये देख रहे हैं ना, ये धनात्मक है ऋणात्मक है तो लगा दो, नहीं, इसको हम बोलेंगे सेल। सेल जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, हमेशा याद रखना, ये पॉजिटिव वाला है ये बड़ा होता है, निगेटिव वाला छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका सी आंसर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। डी आंसर वाले जितने भी लोग लगा रहे हैं डी, वो गलत लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये देखिए, नीचे दिए गए विद्युत संकेतों को प्रतीक को बताना है, गैल्वेनोमीटर है या फिर जनरेटर है, बताइए, गैल्वेनोमीटर है, जनरेटर है, हमेशा याद रखो। देखो, मैं फिर एक बार कन्फर्म कर दूँ आप लोगों के लिए, अल्टरनेट तो है नहीं, अल्टरनेट में ए होती, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। डीसी मोटर तो है नहीं, ठीक है, अब बचा क्या, ए या बी, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सही, देखो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दिया है बी, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले सभी लोग सही हुए, काफ़ी लोग इसका बी आंसर ही लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें। अब यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा ये वाला डायग्राम, ठीक है, ये वाला डायग्राम हमें बताना है, अर्थिंग है, कैपेसिटर है, बैटरी है, सेल है। तो
तो सेल बैटरी के लिए मैंने आपको बताया था सेल के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेकिन प्लस वाला थोड़ा क्या बड़ा होता है, तो वो तो है नहीं है। तो जब वो नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, कितने लोग सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही, इसे बोलेंगे कैपेसिटर। ये जो सिम्बॉल है वो कैपेसिटर का है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख के चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा। अब आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे और आंसर लगा देंगे, बिल्कुल सही, टू वे स्विच तो होगा नहीं क्योंकि इसमें थ्री भी दिया हुआ है, गलत, लैंप है नहीं, गलत, बचा क्या ए और बी, ऑप्शन से आप बिल्कुल मैच कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन से भी चलोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। तो ये सॉकेट है या सीलिंग है, तो हमेशा याद रखना इसको बोलेंगे क्या, सीलिंग रोज टू पिन थ्री पिन, बिल्कुल सही। देखो काफ़ी लोग बहुत बड़े जितने भी हमारे प्यारे प्यारे ट्रेनी हैं बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, देखो आ गया, नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें। अब हमेशा याद रखना, अब इस डायग्राम में हमें ए दिखाई दे रहा है, ए से हम क्या क्या है, लैंप तो है नहीं कट कर देंगे, रेगुलेटर तो है नहीं कट कर देंगे, बचा क्या हमारा, बचा हमारा अल्टरनेट और एमीटर, बचा दो। तो जब दो बचे हैं तो अल्टरनेट या एमीटर, तो अल्टरनेटर का ये है नहीं, है किसका, एमीटर का, जिससे हम क्या करंट वगैरह मापते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सिक्स का सी हो जाएगा। जितने भी हमारे प्यारे प्यारे ट्रेनी हैं जो इसका सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए ट्रेनी आगे लेके चलते हैं, नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़े, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हील या फिर चौक या फिर ट्रांसफार्मर या फिर विद्युत चुंबक। सेवन नंबर का सभी लोग आंसर करेंगे, ट्रांसफार्मर का तो होगा नहीं, जिसमें क्या होता है क्वाइलें वगैरह ऐसे होती हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीयक, वो तो है नहीं, चौक है नहीं, इलेक्ट्रिक वेल है या फिर विद्युत चुम्बक है, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। फटाफट ए या फिर बी, कितने लोग ए या बी के ऑप्शन में जाएंगे बताते हैं। चलिए बताइए, बिल्कुल सही, जितने भी हमारे ऐसे ट्रेनी, देखो जिनको नहीं आता है उस वीडियो को देखिए और फिर एक बार और देख लीजिए, सारे डायग्राम जो है ना आपके दिमाग में छप जाएंगे, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं, बात जिसकी हम बोला था, ट्रांसफार्मर का प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग होती है। अब इसमें हमें ये बताना है, दिए गए विद्युत संकेतों का प्रतीकों को पढ़ें, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर, चौक या फिर ट्रांसफार्मर या फिर विद्युत चुंबक। अब देखो विद्युत चुंबक तो होगा ही नहीं, अभी बता दिया मैंने कैसा होता है, ठीक है, चौक होगा नहीं, बचा क्या ए या फिर सी। अब कर लो बात, लो कर लो बात, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही कॉइल होती है क्योंकि वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अब क्या है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में एक प्राथमिक वाइंडिंग होती है, एक द्वितीयक वाइंडिंग होती है, तो वही ये है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब एक मैंने वीडियो बनाई थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, उसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे सर थोड़ा फास्ट कराइए आप, एग्ज़ाम का टाइम बचा नहीं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बताना तो पड़ेगा ही, ठीक है, चलिए थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा बस, क्यों वैसे तो हम आप लोगों को जितना होगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें, इसे बजर बोलेंगे, लाउड स्पीकर बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रिक वेल या फिर माइक्रोफोन, बताइए इसे क्या बोलेंगे। लाउड स्पीकर है नहीं, इलेक्ट्रिक बैग है नहीं, माइक्रोफोन है नहीं, तो बचा क्या बजर। तो राइट ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के मिलेंगे, थोड़ा अप यानी कि अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। नीचे दिए गए विद्युत संकेतों या प्रतीकों को पढ़ें, UJT, BJT, SCR, FET क्या है, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। 10 नंबर का कमेंट करेंगे, इसमें ग्राउंड है,
एनोड और कैथोड, ये तो रहा ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड, ये रहा ग्राउंड। तो क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आर, एस सी आर। और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया एस सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर फील्ड, अगर आपको डी वाला पूछ लिया जाए तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, और यू जे टी क्या है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा नीचे दिए गए विद्युत प्रतीकों का यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है, यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। इसको हम क्या बोलेंगे, MT1 MT2 और ग्राउंड, बताइए जल्दी से, ट्राइक या फिर एफ ई टी, एस सी आर का तो है ही नहीं, अब बताओ सी या फिर डी, 11 नंबर का बताओ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्राइक, इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नीचे दिए गए विद्युत संकेतों का प्रतीक को पढ़ें, जिसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम को क्या बोलेंगे, ड्रॉन सोर्स और ग्राउंड, बताइए। देखो बहुत बढ़िया, बी लगा रहे हैं बारह का बी, एफ ई टी एन चैनल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताना, इस प्रतीक को क्या कहते हैं, नॉट और नंद या फिर एंड गेट, तो इसको बोलेंगे और गेट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फास्ट आपको करा देते हैं, नीचे दिए गए विद्युत प्रतीकों को पढ़ें, इसको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, इसमें नेट नंद मतलब नोट और एंड दोनों है इसमें, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नंद गेट, इसको क्या बोलेंगे, नंद गेट, और गेट का आपको मैंने देखा ही था, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं होता तो एंड गेट हो जाता, जीरो जीरो दोनों हटा दो तो ये एंड गेट हो जाएगा, अगर जीरो जीरो दो लग गए तो ये किसका हो गया, नंद गेट का हो जाएगा, ठीक है, डॉट हो जाता है, ए डॉट बी बार हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, ठीक है, और ऐसे ही मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, देखो यही क्वेश्चन अगर कोई अदर वाला बताएगा तो आपको कम से कम आधा घंटा वीडियो लेगा, मैं आपको कम से कम दे रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। चलिए, लाइट इमिटिंग डायोड है या फिर एम्पलीफायर या फोटो डायोड या डायोड, 50-50 आपको दे रहा हूँ, बी या सी में से कोई एक ऑप्शन है, आप लोग हमें कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना है, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वीडियो कैसी लगी, अच्छी खराब, खराब लगे कमेंट करके बता देना, खराब करोगे और हम मेहनत करेंगे, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना सभी साथियों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।